हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू श्वान ट्यूटोरियल्स। आज का जो वीडियो है वो है एक आत्मनिर्भर वीडियो। आत्मनिर्भरता, ये हम लोग कितना सुन रहे हैं ना आजकल, जोक्स आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं आत्मनिर्भरता। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें भी एक ही वर्ड था पूरा, आत्मनिर्भरता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया जाए कि हम लोग कैसे इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। जो इकनॉमी है हमारी इंडिया की, जो अभी एकदम नीचे जा रही है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। हम लड़कियां जो मेकअप के लिए दीवानी हैं, पागल हैं, तो हम लोग जब मेकअप लेते हैं ना तो ये देखते हैं कि ये मेकअप का बेस कैसा है, इसका कवरेज क्या होगा, इसकी लॉन्ग लास्टिंग ये कितना होगा, ये लिपस्टिक, ये फाउंडेशन, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन शायद ही हम लोग ये घुमा के देखते हैं कि मेड इन इंडिया है या नहीं है, या ये कहाँ का ब्रांड है। ये हम लोग को शायद, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इससे हम लोग को फ़र्क पड़ना चाहिए, और जब फ़र्क पड़ेगा तभी फ़र्क शुरू होगा। वोकल फॉर लोकल, सुन रहे होंगे आप भी ये सब बहुत आजकल, मैं भी सुन रही हूँ। तो मैंने भी थोड़ा सर्च किया, देखा, पता किया कि कौन कौन से ब्यूटी ब्रांड्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट के ब्रांड्स हैं जो इंडियन हैं। और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था काफ़ी तो कि ये इंडियन है और ये इंडियन नहीं है। तो मैंने इसी पर आज ये वीडियो बनाया है। मैं आपको बताऊँगी जो इंडियन ब्रांड्स हैं मेकअप के, और इनको आप कैसे, जो बाहर के ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो आप उनको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इनके साथ, है ना। तो आप में से कितनों को पता था कि लैक्मे जो एक वेल नोन ब्रांड है, इसका नाम माता लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी के ऊपर पड़ा है लैक्मे। मुझे अभी रिसेंटली पता चला है वो एक इंडियन ब्रांड है। देखिए, लैक्मे के प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये है एक मूज फाउंडेशन, ये है मेरा कंसीलर, ये एक लूज पाउडर है, लैक्मे की लिपस्टिक्स है, आईलाइनर है, ब्लशर है, काजल है, आईलाइनर पेंसिल है और आईब्रो पेंसिल है। इसके साथ ही ये सीसी क्रीम भी है। आप देख रहे हैं लैक्मे का मतलब लैक्मे की तो रेंज बहुत सारी है। तो आप अगर कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे हैं जो मेड इन इंडिया नहीं है, तो अगर चाहते हैं कि उसको आप चेंज करना, तो आप लैक्मे को एक बार ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास। दूसरे नंबर पे है कलर बार। हाँ, कलर बार भी बहुत अच्छा ब्रांड है एक, जो मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे पास कलर बार का प्राइमर है, ये कलर बार का कॉम्पैक्ट है, कलर बार की लिपस्टिक्स मेरे पास बहुत सारी हैं, इवन कलर बार का सिंदूर भी है मेरा। ये मेरा आईलाइनर ब्लू जो मैंने अभी लगाया है, ये कलर बार का ही है। ये ब्लशर है, स्टिक, दीज आर ऑल फ्रॉम कलर बार, ये भी एक इंडियन ब्रांड है। L18 भी मेरे पास, नेल पेंट्स बहुत सारी हैं, लिपस्टिक्स अभी रिसेंटली एक ख़त्म हुई है, और L18 भी एक इंडियन ब्रांड है, आप इसको भी ट्राई कीजिए। लोटस भी एक इंडियन ब्रांड है। मेरे पास ये लोटस का कॉम्पैक्ट है, और ये लिपस्टिक्स काफ़ी सारी हैं, मैं एक ही आपको दिखा रही हूँ कि इधर कितना मैं लेकर आती ना। तो लिपस्टिक है और कॉम्पैक्ट, ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। एक तो ये नेचुरल है, मीन्स इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, और इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज़ शुगर। शुगर अभी नया नया आया है, लेकिन हाँ इतना भी नया नहीं है, बट इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जो इसको यूज़ कर रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि एक्चुअली बहुत अच्छा है। मेरे पास इसका ये हाइलाइटर है, मेरे पास लिपस्टिक है, और ये इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र है। ये तो मस्ट बाय है, आप इसको ज़रूर लेना, और इंडियन है तो आप और भी लेना। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कीजिए, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इंडियन उसमें ले सकते हैं और अच्छा है तो क्यों नहीं ले, एक बार ट्राई करना तो बनता है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज़ खादी। खादी के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरे पास फेस पैक है खादी का, और खादी हर्बल्स आपने शायद यूज़ किया है या नहीं किया है, लेकिन आप इसको यूज़ कीजिए, ये भी एक हमारा इंडियन ब्रांड है। नेक्स्ट इज़ हिमालया।
ये बेबी लोशन है मेरे बेबी के लिए, और हिमालय का मेरे पास फुट केयर क्रीम है, हैंड केयर क्रीम है, और हिमालय के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे। मैंने हेयर क्रीम भी उसकी यूज़ की है, आप इसको भी यूज़ करके देखिए और अपने बेबीज़ के लिए इसको यूज़ कीजिए। मैं और कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ बेबी के लिए हिमालय के अलावा। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट एसेंशियल, ये मेरा एक टोनर है फॉरेस्ट एसेंशियल की तरफ से, और इसकी भी रेंज बहुत अच्छी है। आप इसके कलेक्शंस को देखेंगे ना, ऑनलाइन सर्च कीजिए तो बहुत सारा है इनके पास, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे पास ये भी कुछ कुछ जो ब्यूटी ब्रांड्स जो इंडियन ब्रांड्स थे वो मैंने आपको दिखाए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इनके अलावा जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं जो मैंने अभी नहीं दिखाए या नहीं मेंशन किए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये भी इंडियन ब्रांड्स हैं, मैं शायद उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। और बाकी हम इंडियंस हैं तो एक बार बनता है कि हम इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं, हमारी इकनॉमी को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएं, और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, इससे सबसे अच्छा यही होगा, तो क्यों नहीं हम एक स्टेप उठाएं। चलिए, वोकल फॉर लोकल। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल श्वानू ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके स्क्रीन के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।